हेलो गाइस, वेलकम टू रेड गेमिंग ऑफिशियल। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर गेम। तो गाइस, आज की वीडियो में गाइस मैंने थोड़ा सा ना ऑफिस में चेंजेस करे, मैं वो दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और गाइस, आज हम अपने लिए ना कुछ रेयर कार ढूंढने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास भले ही एक बड़ा शोरूम है, लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं हमारे पास, बट हमारे पास यार एक भी रेयर कार नहीं है। तो अभी मैं यहाँ से मार्केट प्लेस ओपन है, कार मार्केट ओपन है ना, तो मैं यहाँ से एक बार देखता हुआ चलता हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा, मेरे को रेयर कार खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए होगा भाई, ठीक है, मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो भाई हमें थोड़ा पैसा भी चाहिए होगा, तो हम जो भी यहाँ से खरीद सकते हैं खरीद लेंगे। मस्टैंग अब नहीं खरीदने वाला भाई, बहुत मस्टैंग खरीदी मैंने, लास्ट वीडियो मैंने जो डाली उसमें मैंने 17 मस्टैंग $0 में सेल कर दिए। तो किसी को अगर वो वीडियो देखनी हो तो चैनल पे जाके देख लेना, मैं हो सकेगा तो लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ऑडी RR मिल रही है हमको यहाँ पे, क्या बात है, $6,80,000। अच्छा, इतना पैसा तो अभी मैं लाया नहीं हूँ, रुक जाओ जुगाड़ करके लाएंगे। लैम्बोर्गिनी कितने की दे रहा है, दे रही है ये $5,00,000। इससे मैं एक बार बार्गेनिंग करना तो बनता है, $2,89,000 में मांगता हूँ मैं इससे, देगी नहीं, मेरे को पता है, मेरे को पहले से पता है भाई, इतना कौन कम करता है यार। बट मेरे पास अभी इससे ज़्यादा पैसा है नहीं। ये देखो भाई, ये देखो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से क्या हो रहा है, ये लाइन लगी पड़ी है। पर मेरा दिल नहीं कर रहा इसको यहाँ से ले जाने का, मैं यहीं छोड़ देता हूँ। अभी हम जब नेक्स्ट डे आएंगे ना, तब देखेंगे यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, लगी भी है कि नहीं लगी है, वो देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ ऑफिस पे, अभी हम लोग ऑफिस आ गए हैं। तो यहाँ देखो गाइस, पिछले वीडियो में आपको मेरा ऑफिस अलग दिखेगा, और अभी पिछले वीडियो में पता है क्या, देखो यहाँ पे मैंने स्टेयर्स लगा रखे थे इसके बगल में, जो कि ना देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टेयर्स हटा दिए, यहाँ पे मैंने स्टेयर्स लगा दिए, और मैंने साथ ही साथ क्या किया है कि भाई कोई चोर वगैरह अंदर घुस ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक गेट भी लगा दिया है। तो अब मेरी मर्जी के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये देखो अभी स्पेस बहुत बढ़िया है। अभी क्या है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं गाड़ियाँ लगाता हूँ यहाँ से ऐसे लाइन से, तो बाहर से बहुत अच्छा लुक आएगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम नहीं आ रहा था। अभी भी कुछ चेंजेस बाकी हैं, ठीक है, वो भी हम करेंगे बाद में, जैसे कि ये सब चीज़ें। और यहाँ से मैंने सोफ़ा हटा दिया है, ये लाइन मेरे को ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन ये मैं ना ऑफलाइन जब खेलूँगा तब ठीक कर दूँगा इसको मैं। देख लो ये इतना गैप आ रहा है, ये इतनी सीधी सी लाइन, ये इतनी एक्स्ट्रा ज़मीन ले ली है भैया हमने, कब्जा किया हमने इस पर, चीटिंग करता है तू। अब हम जाने वाले हैं अपनी चमचमाती हुई सुपरा लेके जा रहे हैं हम हमारी पहली ड्रैग रेस करने के लिए। तो गाइस मेरे को यार रिकमेंड करो कि मैं ड्रैग रेस के लिए कौन सी कार लेके जाऊं। मेरे पास कुछ कारें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, पहले तो मैं सुपरा लेके ना जा रहा हूँ ड्रैग रेस चेक करने, उसके बाद में सारी कारों को ना ऑफिस में खड़ा कर दूंगा, और हमें नेक्स्ट डे जाके वहाँ पे देखना भी है कार मार्केट के पास कि हमारी गाड़ी ने, जो हमारी सुपरा है दूसरी वाली, उसने कितनी लाइन लगा रखी है। तो एक बार मैं सुपरा लेके जाता हूँ और देख लेता हूँ यहाँ पे भाई, ऑडी R8 है, तो मैं देखता हूँ अगर बैट का ऑप्शन आता है तो कोशिश करते हैं। बैटरी और कार, सेम कार लानी पड़ेगी क्या मुझे, मेरे को तो आता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आता बैट, कार बैट का ऑप्शन मेरे को देता ही नहीं भाई। चलो कोई नहीं, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं सेम कार लेके आता हूँ, उसके बाद देखते हैं शायद तो मेरे को ऑप्शन मिल जाए। और भाई ये मेरी फर्स्ट ड्रैग रेस होने वाली है, मैंने अभी तक एक बार भी कोई ड्रैग रेस नहीं करी है, और मेरे को पैसे भी कमाने हैं। देखो यार सीधी सी बात है, पैसा नहीं है तो फिर मैं, अगर मेरे को रेयर कार मिल भी जाती है तो मैं खरीदूंगा कैसे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है ना। तो सबसे पहले पैसा कमाना ज़रूरी है, इसको यहाँ खड़ी कर देते क्लीन हो जाएगी, ठीक है। अभी तो वैसे भी कोई कस्टमर आने वाला नहीं है, मैंने ये जगह खाली छोड़ी इसीलिए कि मैं उधर से आऊँ आराम से, और मेरी गाड़ियाँ जो हैं वो क्लीन होती रहें। अपने को EXP पॉइंट नहीं चाहिए भाई, इसमें ज़रा देख लूँ, ABS लगा हुआ है, चेक कर लें, ABS लगा हुआ है, ESP लगा हुआ है, रेसिंग किट लगी हुई है, और देख लेते हैं इसमें कुछ और ज़रूरत है तो। इतना खर्चा करके जा रहा हूँ, चल भाई देख इसमें क्या क्या लग रहा है। CCS डाल दो,
ड्रिफ्ट किट मेरे को नहीं लगता जरूरत है, टर्बो डाल दिया, नाइट्रो डाल दिया, ठीक है, ड्रिफ्ट किट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बाद ना लाइट लगवा लेते हैं, लाइट डलवा देते हैं अच्छी सी ग्रीन लाइट। वैसे ना गाड़ियों में ग्रीन लाइट अगर हो तो बहुत फैंसी लगता है, बहुत मतलब अच्छा मॉडिफिकेशन। तो ग्रीन लाइट लगवाने वाले हैं। नंबर प्लेट इसकी यार बहुत पुरानी सी हो रही है, मतलब फरारी के ऊपर इतनी जंग खाई हुई नंबर प्लेट भाई कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लगाने वाले हैं अपने कौन सी लगाएं, ये लगा लेते हैं यार, ये मेरे को सिंपल सोबर बढ़िया लग रहा है एकदम। फिलहाल मैं इस पर लिखने वाला हूँ रेड गेमिंग, ठीक है गाइस, मैंने अभी इस पर रेड गेमिंग लिख दिया है। इसमें अगर कलर वगैरह चेंज होता हो तो मेरे को बता देना, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी अभी हम व्हील्स भी चेक कर लेते हैं, व्हील्स भी अच्छे होंगे तो अलॉय व्हील्स तो यार होने चाहिए ना बकायदा। देखो यार गाड़ियों की मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट फिर भी अगर मैं कुछ गलत करूँ तो बता दिया करो यार। ये वाली सही लग रही है इस पर, मेरे को तो सही लग रही है यार, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। चलो यही मैं करने वाला हूँ, तो ये भी मैंने चेंज करा दी। अभी ना इसका नंबर है, अब इसकी बारी है पेंटिंग की। चलो बाबू पेंटिंग, पेंटिंग वाले बाबू, बाबू मोशाय इस गाड़ी को एकदम बढ़िया कलर कर दिया जाए। गाइस कलर कराने से पहले ना सबसे पहले ना गाड़ी को धो लेना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअल कलर तभी पता चलता है कि जब ये गाड़ी धुली रहेगी ना, नहीं तो आपके साथ ऐसा धोखा होगा कि आप कलर करवाओगे कुछ और जब आप धोओगे तो निकलेगा कुछ और, ज़्यादा ब्राइट निकलता है। तो इसलिए पहले धो लेते हैं, कार इज क्लीन नाउ। चलो ये देखो, अबे भाई ये देखो बंदूक की तरह उसके ऊपर तान के खड़ा रखा है भाई साहब, क्या ही ग्लिच है यार। देखो ये गेम में कैरेक्टर पूरा नहीं है, पूरा कैरेक्टर नहीं है इसमें। देखो ये हाथ है और ये दिखा, बस ये हाथ और पैर तो हमें मेरे को लगता नहीं दिखते हुए होंगे, इसके हाथ ही दिखते कभी कभी, तो ये हाथ देख लो भाई इसके, कोई नहीं दिखा सकता तुमको, मैं दिखा सकता हूँ। चलो अभी मेरे को कमेंट करो यार, ये इस बारी में ऑडी R8 को मैं कौन सा कलर दूँ यार, मेरे को एक बार सजेशन देना, ठीक है। फिलहाल ये अपने पास रहने वाली नहीं है, बट फिर भी मेरे को बढ़िया लग रही है ग्रीन में। पॉलिश दे देते थोड़ा एक्स्ट्रा, ज़्यादा पॉलिश ये मेरे को मैट, थोड़ा सा मैट टाइप में ना अच्छी लग रही है, ये ज़बरदस्त बढ़िया। चलो इसको भी मैंने कर दिया। अबे कलर कहाँ गया, अबे धोखा क्यों करता है भाई मेरे साथ, कलर कहाँ गया इसका, पॉलिश पॉलिश कर दिया भाई, कलर कहाँ है। चलो पॉलिश तो हो ही रखी है भाई साहब, इतना तगड़ा धोखा भाई, मैंने कलर किया बट पैसे नहीं दिए ना इसलिए इसको, इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा किया। चलो अभी चलते हैं भाई, अभी पैसा कमाना है तो। यार मेरे पास सारी ग्रीन कलर की कार है, ग्रीन ही मेरा इतना फेवरेट है, पेट्रोल वगैरह सब भरा पड़ा है। तो अभी सीधा हम जा रहे हैं यहाँ से ड्रैग रेस के लिए, और अब हम देखेंगे कि ये हमें अपनी ड्रैग रेस के लिए बैठ इस कार का ऑप्शन देता है कि नहीं। हाँ बैठ इस कार आ गया भाई, मैं बहुत परेशान था, मेरे पास ना एक बार डॉज वाइपर आई सामने और भाई लिटरली मैं 3 घंटे तक सिर्फ चेंज करता रहा, क्योंकि मेरे पास डॉज वाइपर तो है नहीं भाई, वो बैठ इस कार का ऑप्शन देगी ना। अब जाके मेरे समझ में आई है कि सेम कार लेके आओगे तो बैठ इस कार का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो भाई 3 लाख का रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ, और मेरा फर्स्ट ड्रैग रेस है, इससे पहले मैंने अभी तक एक भी ड्रैग रेस नहीं किया है। तो स्टार्ट करो फटाफट, इसको भी धो देंगे हम। तो गेम अटक गया भाई, क्रैश मत होइयो, पहला ड्रैग रेस है, बेखामती में 3 लाख का नुकसान होगा और हार अलग से जाऊँगा, ठीक है, तो ऐसा मत करो। तो गाइस कमेंट करके बताना कि क्या मैं इस ड्रैग रेस में जीतूंगा या हारूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई मैं हार जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है, मैं ऑटो पे चला रहा था गाड़ी को, तो एक्चुअली में मेरे को पता नहीं है कि इसमें कब गियर देना है, कब कैसे क्या करना है। तो ये मेरा फर्स्ट रेस होने वाला है, और सामने भाई क्या है, ये इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा इंजन स्टार्ट हो गया, अब आगे कैसे बढ़ेगा भाई।
गियर देना पड़ गया, दे दिया। मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज कर सकता हूँ। अबे रुक, अबे ये आगे चलेगी। अबे शिट 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 शिट, भाई ब्रेक क्यों नहीं लग रही थी इसमें? ये उल्टी उल्टी कहाँ भाग रही है? अबे मैं बेखाम थी मैं भाई अपनी। अबे भाई मैं अभी सही इसको मॉडिफाई वगैरह सब करवा के लाया था भाई साहब। ये देख रहे बेखाम थी की स्पीड दे रहा है ये। एक तो भाई मैं अपनी फरारी हार गया, ऊपर से भाई जले पे नमक छिड़क रहा है। कोई नहीं भाई, हम अभी नहीं करने वाले हैं ड्रैग रेस, पहले इसको हम अच्छे से नॉर्मल गाड़ियों से ट्राई करेंगे, उसके बाद में फिर करेंगे। ठीक है, अभी अपने पास इतना पैसा भी नहीं है तो, बट कोई बात नहीं। अरे पर मेरे को यहाँ से रिटर्न जाना है, मैं रिटर्न कैसे जाऊँ? अरे मैंने रेस करके हारा होता ना मैं, तो मेरे को चलता, मेरे को पता ही नहीं था भाई कैसे क्या करना है। चलो कोई बात नहीं यार, फर्स्ट ड्रैग रेस थी, हार गए, कोई बात नहीं यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट रखना। ठीक है गाइस, बड़ी ही मुश्किलों से मैंने ये, मेरी कार गई नहीं गई, मेरे पास है। ओ भाई मेरी कार ये गई नहीं है, मैं हारा नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, कोई बात नहीं। आप जब अबे मैं जीत गया था क्या भाई? लिटरली मैं जीत गया उस कार को, क्या है ये भाई? मैंने रेस करी ही नहीं और ये मैं जीता कैसे? और ये देखो गाइस, ये देखो, ये कौन सी कार है तुम्हें पता है? ये फरारी XX, और इससे मैं बैट करूंगा, बट मेरे को यार बैट इस कार का ऑप्शन नहीं आएगा। मेरी फटी हुई किस्मत भाई, फूटी किस्मत मेरी, मेरे को ये कार चाहिए यार, ये सबसे महंगी कार है। और देख रहे हो यार इतनी बढ़िया स्पोर्ट्स कार, ये नंबर प्लेट देखो भाई साहब, इतने चिंदी चोर हो गया इस पे। देखो ये देखो, नंबर प्लेट तो अच्छी लगवा ले भाई कम से कम, इतनी बढ़िया कार ले रखी है तूने, $3 million की कार इसने ले रखी है भाई, लेकिन ना नंबर प्लेट चेंज नहीं करवा सकता ये इंसान, धिक्कार है तेरे ऊपर। मेरे को दे दे भाई, दे दे मुझे, दे दे बैट इस कार का ऑप्शन, दे दे एक बार। बट मेरे को भाई, मैं अभी भी शौक में हूँ कि ये कार मेरे को कैसे मिली भाई, मैं तो रेस पे हार गया था। ये क्या ही ग्लिच था, क्या नहीं था, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। बट भाई ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, कोई नहीं, हम जिस काम से आए थे वो काम तो हो गया ना आखिरकार। फिर भी भाई मैं कसम से सोचा था कि मेरी फरारी चली गई, मेरे को सच में लगा था कि भाई मेरी फरारी चली गई और अब 11 नंबर की बस से पकड़ के सीधा घर जाने का। बट भाई किस्मत ने साथ दिया और ये फरारी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखो, अरे भाई मानता हूँ फ्री में मिल गई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम इसको उलट पलट करते रहोगे। कहाँ है? चलो भाई, इतना गंदा कौन ठोकता है यार। चलो भाई अभी ना इसको यहाँ खड़ी कर देते हैं, बाद में लगाएंगे। अंकल है हमारा भाई, देखता रहता है कि कोई गाड़ी चुरा के ना ले जाए, और इसको भी मैं यहाँ खड़ा कर दूंगा ताकि ना जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो ये मुझे साफ करे। ठीक है, अभी ना मैं बस पकड़ के जा रहा हूँ घर। ठीक है, और गाइस लिटरली तुमने देखा भाई मेरी किस्मत ने कैसे पलटी मारी है आज, हारी भी बाजी हम लोग जीत गए भाई, कसम से भाई ये मेरे को सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। ऐसा कैसे हो कैसे सकता है यार, तुम लोगों ने खुद देखा मेरी गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे गई,
बट फिर भी भाई मैं बैट जीत गया, मैं रेस जीत गया, कार मिल गई, मेरी कार बच गई भाई जाने से। सबसे बड़ी बात, अगर ये कार मेरे को नहीं भी मिलती ना तो भी मेरे को चलता, क्योंकि भाई मेरी जो 3-3.5 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख की जो फरारी है वो मेरे को तो लिटरली पूरा लगा था कि चली गई हो। बट भाई साहब किस्मत हमारे साथ है, शायद किस्मत भी नहीं चाहती कि हम हारे, तो कोई बात नहीं। तो भाई अभी ना हम जा रहे सोने। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और आज ऑक्शन है, मैं गाड़ी भी लेके नहीं आया अपनी कोई सी भी, बट कोई बात नहीं। और आज मेरे पास जितनी भी कारें हैं ना मैं सबको लगा के बेचने वाला हूँ, क्योंकि भाई अपने को पैसा चाहिए और आज हम कुछ ना कुछ रेयर खरीद के रहेंगे, ठीक है। आज नहीं मतलब हमें जैसे ही कुछ रेयर मिलता है हम खरीदेंगे, डे स्किप करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ना अपने ऑफिस चलना पड़ेगा और ऑफिस जाके सारा जितना भी हमारे पास जितनी भी कारें हैं सबको बेच डालेंगे आज हम। तो लेके चलते पहले। मैंने भाई मतलब जो वैसे नॉर्मल ब्रेक है वो स्पेस मारने से नॉर्मल ब्रेक लग जाता है, ठीक है, लेकिन जब मैंने कल ड्रैग रेस में स्पेस दबाया तो ब्रेक नहीं लगी और गाड़ी आगे चली गई, ठीक है। और उसके बाद मैं भाई देखता ही रह गया, उसके बाद मेरे कंट्रोल में कहाँ था फरारी का लैम्बोर्गिनी है उसमें, फरारी नहीं और ऑडी है। तो भाई ऑक्शन में तो हमारे काम का कुछ भी नहीं है फिलहाल, मैं अपनी सारी कार्स को ले आऊँ और मेरे को सब की सब बेच डालनी है, क्योंकि भाई मेरे को रेयर कार खरीदनी है, ठीक है, मेरे को फरारी XX खरीदनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे को चाहिए होगा पैसा, तो अभी हम पैसा इकट्ठा करने वाले हैं। मनी इसको मैं ऑरेंज टाइप का कलर देने वाला हूँ, लेकिन ना उससे पहले मेरे को इसको धोना चाहिए, क्योंकि धोने के बाद ही एक्चुअल कलर दिखता है। साइड से रहेगी बस थोड़ी सी, फिर मैं इसको हटा लेता हूँ, नहीं तो फिर ये इसको धोएगा अच्छे से। मैं हथौड़ा लेके इस बार जाऊँगा, अब की बार वो हथौड़ा लेके उसको डरा रहा है। पहले कलर फिक्स कर लेते हैं, नहीं तो यार फिर पिछली बार की तरह हो जाएगा हमारे साथ। और पॉलिश चलो अच्छी लग रही है, मेरे को तो अच्छी लग रही है यार। कमेंट करके बताना यार, मेरे को कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है, और कोई कलर करना चाहिए था मुझे तो वो भी बता देना, मैं वही कलर कर लेंगे। अभी तो हमारे पास एक और पोर्स है, ठीक है। अंदर ले जाके खड़ी कर देता हूँ और सारी सेल पे लगानी, तो मैं फटाफट ना ये सारा काम करके फिर आप लोग से मिलता हूँ। तो गाइज मैंने क्या किया, मैंने ना सारी कारों को यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऊपर लगा दिया। हम सारी कारों को ना ऊपर ही सेल करेंगे, क्योंकि नीचे हम अपनी शोबाजी के लिए हमारे पास जो भी रेयर कार्स आने वाली हैं जो आएंगी उनको हम रखेंगे, ठीक है, इनको हम ऊपर ही सेल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है सबको। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ सोने, और एक हमारी जो लैम्बोर्गिनी है ना वो पड़ी है रिपेयर सेंटर में, तो हम उसको बाद में ले आएंगे जाके, ठीक है। फिलहाल जाना पड़ेगा सोने के लिए, क्योंकि भाई बहुत रात हो गई है और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, काम बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो फटाफट से चलते हैं अपने कंटेनर पे सोएंगे, यार कंटेनर पे बहुत ज़बरदस्त नींद आती है। तो अभी हम आ गए अपने कंटेनर पे, फटाफट से सो जाते हैं, सुबह उठ के बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत थक गए, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है और आज ऑक्शन भी है, तो सबसे पहले जाके ना मैं ऑक्शन चेक कर लूँगा, क्या पता हमारी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा हो। तो फटाफट चलते हैं ऑफिस पे। ऑफिस पे आ गया हूँ और अंकल जी अपने काम पे लगे, थोड़ा सा अंकल का हाथ बटा देते हैं हम। अरे अरे अरे, फुटबॉल भी खेल सकते भाई हम इससे, ये डस्ट नहीं है, ये प्रेस नहीं है, हम इससे फुटबॉल भी खेल सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलो तो गाइज क्या है, ये देखो ये मेरे शोरूम का ना गेट है, एक ऊपर है, ऊपर वाला गेट जो है ये रहा, यहाँ से खोल दिया हमने, और ये देखो भाई हमारी चमचमाती हुई सारी कारें
आय हाय हाय, कितना सुंदर नज़ारा है ये। देखो गाइस, एक मिनट यार, इस पाइप को हटाने दो पहले। देखो गाइस, ये मेरी सारी सुपर कार्स, देखो, दो लैम्बोर्गिनी, दो पोर्श, एक सुप्रा और अभी अंकल इसको साफ कर रहे हैं सब। लास्ट वाली जो अपनी लैम्बोर्गिनी है, जब तक मैं लाके ना उसको लगा देता हूँ अंकल, जब तक सारी साफ कर देंगे। इसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग करानी थी और रात हो गई थी ना, तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया था। सस्पेंशन छेड़ने की जरूरत नहीं है। व्हील्स वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, व्हील्स कौन से बढ़िया लग रहे हैं। अगर आप लोगों के कोई सजेशन होना तो मेरे को बता देना। वैसे तो मेरे को जो लगे हुए हैं ये भी, ये अच्छे लग रहे हैं यार मेरे को। मेरे को पता नहीं क्यों ये वाला ना अच्छा लगता है। ये देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, अंदर से लुक आ रहा है, एकदम अंदर वो घुस रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, चलो हम इसको परचेज कर लेते हैं। $750 का है, सस्ता नहीं है भाई, महंगा भी नहीं है यार, इससे भी महंगे महंगे आते हैं यार। अभी इस पर लाइट हमें कौन से कलर की रखनी चाहिए यार, मैं तो सोच रहा हूँ पिंक रख दूँ, लेकिन पिंक में मज़ा नहीं आएगा। एक बार सारी भाई कसम से ये लैम्बोर्गिनी ना मेरा दिल पीर रही है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन से कलर की लाइट रखूँ। मैं पिंक ही रख रहा हूँ, मेरे को पिंक अच्छी लग रही है। ऑरेंज पे वैसे आपको कैसी लग रही है मेरे को बता देना। ठीक है, फिलहाल हमारा ये सारा काम हो गया और अभी मैं इसको लेके ना पहले जाऊँगा ऑक्शन में, ऑक्शन चेक करूँगा, उसके बाद भाई कुछ करूँगा, क्योंकि ऑक्शन ना 11 बजे से ही स्टार्ट है और 10 बज चुके हैं, तो फटाफट से मैं ऑक्शन पहुँच लूँ पहले, उसके बाद इन सभी को मैं सेल करता हूँ। क्या पता हमारी किस्मत, अबे भाई मेरे पास टाइम भी नहीं है, अगर कुछ मिल भी गया ना तो हम बहुत गंदा फंसने वाले हैं। ऊपर वाले बचा ले, कुछ मत मिली हो यार, नेक्स्ट वाली ऑप्शन में मिलना मेरे को जो भी मिलना हो। ये क्या है, ये है ऑडी R8, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेयर कार ना हो इसमें। सब सोचते हैं कि भाई रेयर कार निकल जाए, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कोई भी रेयर कार ना निकले। अच्छा हुआ यार रेयर कार नहीं निकली, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था। अभी मैं कार सेल करूंगा, उसके बाद मेरे को पैसा मिलेगा, तो फटाफट से कार सेल करते हैं, उसके बाद भाई अपने रेयर कार की खोज में लग जाते हैं। ठीक है, इसको पीछे से ले जाना पड़ेगा यार, इधर से तो रास्ता नहीं है। घुसा तो दूंगा लेकिन भाई फिर भी क्या ज़रूरत है, पीछे से अपने हम अपन लोगों ने रास्ता बना रखा है, जाने के लिए तो बना रखा है ना। ये खुल जाएगा अभी अपने आप ही हमारी, अरे 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 अरे, यहाँ पे तो हमारी लिफ्ट है ही नहीं, लिफ्ट बुलानी पड़ेगी पहले, रुक जाओ कोई नहीं, तो यहाँ छोड़ते हैं और लिफ्ट बुलाते हैं। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसे को दिया है निशान GTR, मुझको भी तो निशान GTR दिला दे। चलो फटाफट चलते हैं यार, काश ऊपर वाला मेरी ये मुराद सुन ले कि मेरे को भी यार एक निशान GTR नेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाए, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसा भी होगा और मज़ा भी आएगा। यार मैं ना इसको चाह तो रहा था कि लैम्बोर्गिनी के बगल में ही लगाऊं, बट मैं सारी की सारी कार पहले से ही लगा चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिलहाल हमारी सारी कार लग गई है भाई, देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और भाई अपना शोरूम तो भाई एकदम लग्जरी वाला लग रहा है। ठीक है, एक बार ना मैं ऊपर से व्यू लेके देखता हूँ कि कैसा लग रहा है, एक बार ऊपर से व्यू लेके देखते कैसा लग रहा है। ओहो, डिलीट का बटन भी आ गया है, तो कुछ छोटे मोटे अपडेट भी अभी आए हैं, और भी कुछ अपडेट आए होंगे तो मेरे को कमेंट में बता देना यार। ठीक है, और ये बहुत सही कर दिया है, बहुत सही हैंडलिंग बहुत अच्छी कर दी है इसकी। ठीक है, और भाई देखो, ओ भाई भाई साहब, ये लग रहा है यार जबरदस्त लग रहा है भाई, अपना शोरूम बहुत जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, रेड कंपनी जो है ना नाम कमाएगी भाई बहुत तगड़ा। चलो अभी भाई चलते फटाफट से ऊपर, मेरी लिफ्ट कहाँ है, इधर से सीढ़ी होनी चाहिए थी यार, लेकिन जो भी कुछ भी कहो सीढ़ी होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, काम चला लेंगे इसी से, ये भी सही है। तो चलो गाइस, इन सबको ना मैं फटाफट से ना सेल के लिए लगा देता हूँ। अबे भाई मेरे को सेल करना है यार,
चलो बढ़िया। अभी सबसे पहले मैं सबकी फोटो खींच लेता हूँ यार। टाइम कितना हो गया, 4 बज गए। चलो गाइस कोई बात नहीं, 4 बज गए। एक काम करते हैं फटाफट से ना, मैं इनकी फोटो खींच के सबकी सभी की बैक कर कैमरा लेते हैं। पहले ना सबकी फोटो खींच लेते हैं एक एक करके। ये ओके, अबे ये आधी फोटो क्यों आई, रिमूव करो इसको। ओके ओके, अभी मेरे को कैमरा एंगल पता नहीं है, अभी मेरी फोटो एकदम परफेक्ट आने वाली है। ये बढ़िया, अभी ये गेम एकदम परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, फटाफट से सेल पे लगा देते हैं और फिर ना उसके बाद जाके सो जाएंगे, क्योंकि 5:30 हो ही चुके हैं। इसका हाई प्राइस जो है वो 4,84,000 का है। मैं खरीद के कितने की लाया था, ये बाइंग प्राइस है 3,88,000। मैं एक बार ना इसको 6,00,000 की डाल के देखता हूँ, मेरे को लगता नहीं है ये सही रेट बता रहा है मुझे 6,00,000, या फिर मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। चलो 6,00,000 में मैं इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, 1,56,000 की खरीद के लाए थे, $3,10,000 की जाएगी, $3,10,000 फटाफट जाने दो इनको। और भाई 2 सुपरा और है मेरे पास, बट ना मेरे पास है सुपरा कहाँ है भाई, मेरी 2 सुपरा मुझे तो नहीं पता कहाँ पे रखी मेरी 2 सुपरा भाई। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बेच डालेंगे। चलो सभी कारों को मैंने लगा दिया, और भाई ये 2 सुपरा मेरे को पता नहीं है कहाँ है। ठीक है, अगर मेरे को पता होता तो वो भी इस लाइन में खड़ी होती, इतना गैप नहीं देना पड़ता बीच बीच में, बट चलो कोई बात नहीं। फिलहाल मैंने ना सारी कारों को सेल पे तो लगा दिया। ठीक है, अभी भाई इसको बेचना है, रात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ से करते हैं इसको बंद। ठीक है, बंद करते हैं, बंद नहीं हुआ क्या, बंद हो गया। चलो अभी चलते हैं भाई सोने के लिए, सुबह आएंगे भाई ऑफिस ओपन करेंगे अपना आराम से और बेच डालेंगे सारी की सारी कारों को। ठीक है, और अंकल जी को टाटा बाय बाय गुड नाइट। और अंकल जी को देखो भाई एक बार देखो, आंखों पे काजल, ठीक है, चेहरे पे मट्टी। अंकल से बहुत काम कराया हमने लगता है यार, इनको दिवाली पे बख्शीश तो देनी बनती है यार। अगर मेरे को दिवाली पे ना कुछ टिप देने का ऑप्शन आएगा इसको तो मैं ज़रूर दूंगा भाई, बट चलो कोई बात नहीं। फिलहाल चलते हैं भाई सोने के लिए, अंकल भी यार बहुत मेहनत करते हैं हमारे शोरूम के लिए। चलो, कल की सुबह भाई, आज हम कंगाल हैं, कल की सुबह हमारे लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास होगा भाई कम से कम, कितना होगा यार एक बार आप ही लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, आप लोग आइडिया लगाओ। तो गाइस आज की सुबह हमारे लिए होने वाली है बहुत ही तगड़ी। ठीक है, कार मार्केट खुला हुआ है, हमें नहीं जाना कार मार्केट, हम जा रहे हैं ऑफिस। ठीक है, और ऑफिस क्लीन कर दिया है अंकल ने, एक कैन रह गई है। सुबेरे सुबेरे आके भाई थोड़ा सा अच्छे काम कर लेने चाहिए, तो मैं थोड़ी सी अंकल की मदद भी कर देता हूँ। अंकल बहुत काम करते हैं यार हमारे शोरूम के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल मैं शोरूम ओपन करने जा रहा हूँ, और ये देखो यार क्या ही मस्त अपना शोरूम दिखता ना भाई, रेड कंपनी देखते ही बनता है भाई, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया मैंने यार, मेरे को अपने ऊपर गर्व है। अंकल जा रहा भाई साफ करने जा रहा अंकल गाड़ी, तो गाड़ियों को थोड़ा साफ हो जाने दो जब तक ना। मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस कर देते हैं ओपन और चलते हैं एक बार कार मार्केट में नज़र मार के जाते हैं, कि क्या पता कोई रेयर कार बिकने आई हुई हो। ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए भाई, जाके देख लेना चाहिए एक बार। तो मैं एक बार आके, अच्छा एक सुपरा मेरी यहाँ पर खड़ी है, देखो यहाँ खड़ी है, और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था इसके पीछे मैं आके देखूंगा कि लाइन लगती है कि नहीं लगती है। गेम लैग कर रहा है थोड़ा बहुत अभी भी, बट कोई बात इतना चलेगा। ठीक है, तो ये सुपरा इसको मैं अभी यहीं रहने देते हैं और अंदर देख लेते भाई क्या कुछ है ज़बरदस्त आइटम। तो भाई अभी तक तो एक पोर्श है, पोर्श जो अभी मैं कार वगैरह खरीदने के मूड में नहीं हूँ, बस कुछ रेयर मिल जाता ना तो मैं ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मिलने वाला है नहीं। लाइन लगनी चालू हो गई है, बट कोई बात नहीं, इस बार हम अपनी सुपरा को ले जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। ओहो ओहो ओ भाई जंप तो तगड़ी मारी है। ये जो एंगल दे देते ना ये लोग, ये ऊपर से एंगल ये नहीं देना चाहिए यार, साइड से एंगल देना चाहिए जब ये कूदती है ना जंप करती है। इसको भी ले जाके बेच मारू क्या, चलो यार इसको भी बेच ही देते हैं फटाफट, इसको भी रख के हम क्या ही करेंगे।
अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे लगा दूँ, इसको यहाँ लगा दिया, टैब निकालता हूँ फटाफट और फिलहाल इसको फटाफट से सेलिंग पे लगा देते हैं। उसके बाद सारी कार एक साथ भेज देंगे, ब्राउन वाले हाँ। तो 69,000 की मैंने ये खरीदी थी और 1,70,000 यानी $1,20,000 14 सेल फटाफट से भाई सारी गाड़ियाँ सेल कर देते हैं। और अब चलते भाई, देखो एक एक कार पे कितने कितने बंदे खड़े हैं, उधर इधर से चालू करते हैं, इधर से कोई नहीं है, चलो उधर से चालू करते हैं, अभी उधर आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, इससे पूछते ये कितना देने वाला है हमें इस लैम्बोर्गिनी के लिए, भैया आप कितना प्राइस देना चाहते हो? 6,09,000। भाई एक बात बताऊँ, ये जो प्राइस है ना मैंने चेक करवा के डाले हैं, ठीक है, तो इतने में मैं नहीं बेचने वाला। बहुत सारे कस्टमर हैं मेरे पास, मैं किसी को भी बेच दूंगा 8,00,000 से ऊपर, 8,00,000 जो मुझे देगा मैं उसको बेच दूंगा। भाई 6,00,000, अरे नहीं भाई 5,00,000 की तो मैं खरीद के लाया यार, कम से कम 1,50,000 का तो प्रॉफिट दो। ये कितने का दे रही है? 6,60,000। ठीक है, इससे बार्गेनिंग करता हूँ, इसको ना 7,20,000 मांगता हूँ इससे, 7,20,000 में अगर ये लेती है तो मैं इसको दे दूंगा। चलो बढ़िया, 7,20,000 में। चल भाई अपनी बोनी हो गई, लैम्बोर्गिनी सबसे पहली प्रॉफिटेबल बेच दी है हमने एकदम। चलो इससे पूछते हैं, ये जो हमारी फरारी F430 है इसको कितने में खरीदना चाहती है? मैंने $5,50,000 का प्राइस रखा है और ये मुझे दे रही है $4,43,000 का ऑफर दे रही है। ठीक है, मैं वैसे लड़कियों का ऑफर हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं इससे ना थोड़ा सा बढ़ा के मांगूंगा, 5,00,000 मांगते इससे, 5,00,000 दे दे और ले जा। 10,000 ज्यादा नहीं लगा दिया मैंने? नहीं ठीक लगाया था भाई, लड़की देख के फिसल मत भैया। 5,00,000 में क्या बात है भाई, $5,00,000 में ये भी बिक गई। अभी हमारे को भाई दूसरी फरारी बेचनी, दूसरी फरारी के लिए है कोई कस्टमर? हाँ, फरारी 430 स्काई ब्लू वाली अपनी सैफ्रॉन कलर की, 6,00,000 का मैंने प्राइस रखा है, 3,00,000। टाइम से चला जा भाई, गुस्सा आ जाए मैं रेजर लेके गंजा वंजा कर दूँ ना, उससे पहले चला जा भाई, इतनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिए, गाड़ियों का रेट ही नहीं पता। 3,24,000 की तो मैं खरीद के ही लाया था, या 3,28,000 की, सॉरी 3,62,000। भाई क्या चक्कर है, प्राइस क्यों नहीं दे रहे ढंग के? ये सारी किट वेटर सब कुछ लगी हुई है भाई, ABS लगा हुआ है, TCS लगा हुआ है, ESP लगा हुआ है, रेसिंग किट लगा हुआ है, टर्बो लगा हुआ है, NOS लगा हुआ है, लेकिन भाई ये क्या प्राइस दे रहा है भाई? सॉरी भाई मैं इतने में नहीं बेच सकता, डोंट सेल, भागो यहाँ से, कोई ढंग का कस्टमर आएगा तो मैं बेच दूंगा। फटाफट से ले लो यार जो भी है, 4,50,000 ये हुई ना कुछ अच्छी बात, इसको मैं 5,50,000 5,40,000 का ऑफर देता हूँ, इसको लेना है तो बताओ। तो रुक जा भैया, अच्छा यहाँ पे एक ही कस्टमर है, तो एक काम करते हैं इसको बेच देते हैं, 5,50,000 का मैंने ऑप्शन दिया था ना इसको, ऑफर दिया था, तो मैं इसको बार्गेनिंग करके 5,20,000 का मैं इसको ऑफर दे रहा हूँ, मेरे को पता है इतने में ये ले लेगी, ले ले यार, इतने में गरीब हूँ मैं, पेट पालना है मुझे, अपने शोरूम को और बड़ा बनाना है, मुझे खुद को अमीर बनाना है, अपने लिए बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ लेनी है, सबसे पहले मेरे को फरारी XX लेनी है, निसान GTR लेनी है, भाई मेरे को दिलवा दो यार, जो पैसा मैं मांग रहा हूँ दे दो मुझे, मुझे निसान GTR, फरारी XX, डॉज वाइपर खरीदनी है भाई, सबके पास है मेरे पास नहीं है। भाई लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना इसी बात पे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो। ठीक है भाई, 4,30,000 मेरे को ये ऑफर कर रहा है और मैं बाइंग प्राइस है ये कुछ भी नहीं, तो मैं इसको 5,20,000 का ऑफर दे रहा हूँ, 5,20,000 दे, सूखी कमाई है और ले जाए इसको, नहीं चल 5,00,000 में ले जा भाई, तेरी हुई, ले जा ले जा, चाबियां ले और निकल। चलो भाई अभी हमारी सुपरा 65,000 में खरीद के लाए थे इसको, हम देखते कितना प्रॉफिट बना के देती है, $84,000 $1,00,000 में अगर ये लेता है ना तो मैं इसको सीधी सीधी बेच दूंगा, मेरे को मेरे पास टाइम भी नहीं है ना यार, सारी गाड़ियां बेचनी है आज की डेट में मुझे, $1,00,000 ले जा, 1,20,000 भी नहीं मांगता भाई मैं, नहीं चाहिए तो निकल।
भाई इतने भाव नहीं चढ़ते हम किसी के। अबे भाग गया ये कितना मैडम, अच्छा प्राइस देना है, कम से कम 1 लाख का ऑफर तो दे ही देना। 86,000। एक काम करो, 1,20,000 डॉलर। तो और 1,20,000 तो मैंने बोल ही रखा है ना, 1,19,000 डॉलर दो और ले जाओ, ये लो 1,000 रुपये मैंने आपके लिए कम कर दिए, 1,000 डॉलर। नहीं चलो सीधा इससे 1 लाख मांगते हैं यार, 1 लाख दो और ले जाओ। चलो बिक गई भाई ये वाली भी। चलो गाइस अभी हमारे पास 4 कार बची है भाई, फटाफट बेचना है यार, 4 बच्चों के मैं क्या 7 बजे तक बेच पाऊंगा इन कारों को, फटाफट बेचते हैं। 1,56,000 की खरीदी है, 1,91,000 डॉलर की ये मेरे को प्राइसिंग दे रहा है, और चेक कर लेते हैं, लेकिन यार टाइम भी नहीं है अपने पास इतना चेक चुक करने का। 2,07,000, बढ़िया अच्छी बात है, तो 2,50,000 दो और ले जाओ। नहीं एक काम करो, 2,40,000 दे दो, 2,40,000। आप तो मान जा भाई, 10,000 कम कर दिए मैंने आपके लिए। चलो बढ़िया, 2,40,000 डॉलर में ये बिक गई। और ये आया है भाई लैम्बोर्गिनी के लिए, आया है आई है, मेरे को तो इसको देख के समझ ही नहीं आता कि ये आया है या आई है या काम वाली बाई है। काम वाली बाई को भाई लैम्बोर्गिनी की क्या ही ज़रूरत, बट भाई शौक नवाबी है लोगों के आजकल, कुछ भी हो सकता है। 6,39,000 डॉलर में ये खरीदने को तैयार है, 4,80,000 की मैं लेके आया था। और चलो एक काम करते हैं, इससे बार्गेनिंग करते हैं, 7 लाख मांगते, 7 लाख दे और ले जा। अबे 70,000 नहीं, 7 लाख, 7 लाख। चलो बिक गई भाई, 7 लाख में बिक गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मैं घाटे का सौदा कर रहा हूँ तो मेरे को बता देना भाई, वैसे तो मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। 35,000 डॉलर अभी तक हमारे पास, 35,000 कह रहा हूँ, 35 लाख डॉलर अभी तक हमारे पास हो चुके हैं। और अभी हमारे पास और 3 कारें हैं, ठीक है, तो इसको बार्गेनिंग करता हूँ। इससे बार्गेनिंग क्या ही करूँ यार, कितने का मैंने रखी है हाई प्राइस, 8,50,000 का मैंने रखा हुआ है, 5 लाख एक, अबे भाग गया भाग गया, 5,59,000 अच्छा रेट दे रहा था। अरे उससे अच्छा रेट ये दे रही है रे बाबा, चल निकल टाइम से तू, 7 लाख में ये लेके जाएगी रे बाबा। चलो रे बाबा 7 लाख दो और ले जाओ मैडम, हाथ जोड़ के थैंक यू, फिर आना हमारी शोरूम में रेड कंपनी में, और हम आपको और अच्छी अच्छी गाड़ियां बहुत महंगे महंगे में बेचने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारे पास भाई लास्ट रह गई है यार, ये एक ये पोर्स और एक ये सुप्रा, सुप्रा मैंने लास्ट में लाके छोड़ दी थी, इसको भी बेच देते भाई, इसको भी क्यों रखेंगे, मिल गई है तो। 93,000 डॉलर मिल ही रहे हैं इसके, मैं एक करता हूँ, एक काम करता हूँ, 1,19,999, ठीक है ले जाओ मैडम, हाथ जोड़ के थैंक यू आपका, आपका इसको खरीदने के लिए। अरे नहीं खरीदी यार, ऐसे मत कर, मैं इस भैया से पूछ लूँगा। अरे थैंक यू हम शकल भैया, आप बताओ कितना प्राइस दे रहे हो हमें, 85,000। अबे हो तेरे से ज़्यादा प्राइस तो वही दे रही है। अबे भाग गई, नहीं भाई, अरे भाई नहीं नहीं, इससे मांगता हूँ एक बार, मांगता हूँ, रुक जाओ, अच्छे ठीक ठाक प्राइस मांगता हूँ इससे, 1,10,000 डॉलर का इसको ऑफर देता हूँ, ले जा और बता। इससे अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा भाई, कहीं पे भी नहीं मिलेगा इससे अच्छा प्राइस भाई, मेरे को तेरे को बेचना ही नहीं है। अबे 7 बज गए भाई, और पोर्श के लिए कोई कस्टमर नहीं है, सुप्रा के लिए कोई कस्टमर नहीं है भाई, ये 2 कार हमारी रह गई यार। चलो कोई बात नहीं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम पोर्श को और सुप्रा को बेच देंगे, आज नहीं बिक पाई, ठीक है, रात हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ रेयर कार्स को खरीद पाएँ। आज की वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना भाई, सब्सक्राइब फ्री का है यार, कर दिया करो, तुम्हारे भाई को थोड़ा सा हिम्मत मिलती है कि नहीं बनाओ यार वीडियो, अच्छी बना रहा है, ठीक है।